नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है समझदार हाथी। और हमारे समझदार हाथी जो चैप्टर है उसका उद्देश्य क्या है कि हमें जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो ये उद्देश्य हमसे क्या कहना चाहता है कि हमको जीव जंतुओं, इट मीन्स चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो, हमको उनको हिंसा नहीं पहुंचानी है या पीड़ा नहीं पहुंचानी है। हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, यानी उनको हमें हानि नहीं पहुंचानी है। तो इससे पहले मैं पाठ का वाचन शुरू करूं, हम अपने थोड़े से शब्दार्थों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है समझदार, मतलब बुद्धिमान, नेतृत्व, नेता का काम, उपकरण, औजार या यंत्र, आक्रमण, हमला, दिनचर्या यानी जो आपका डेली का वर्क रहता है वो, होशियारी मतलब चतुराई, मिसाल मतलब उदाहरण, और लास्ट है हमारा शत्रु मीन्स दुश्मन। तो हमने अपने शब्दार्थों के बारे में जान लिया है और अब मैं अपना पाठ पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ये कहानी है तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने किताब पर ध्यान लगाइए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए। हमारी जो कहानी है उसका नाम क्या है, समझदार हाथी। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी भी एक है। हाथी मनुष्यों की तरह ही समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभवों से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता, दया, सुख का अनुभव करते हैं। ये साधनों उपकरणों का भी प्रयोग करना जानते हैं। आपस में प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल, हास्य सभी का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो क्या कह रहा जाता है, जैसे मनुष्य बुद्धिमान है, सभी तरह के यंत्रों उपकरणों का यूज करता है, उसी तरह से हाथी भी बहुत समझदार है और मनुष्यों की तरह ही ये भी सभी उपकरणों और यंत्रों का प्रयोग करता है। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी एक हाथी पर कोई आक्रमण कर दे तो झुंड के अन्य सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनमें से कुछ घायल साथी की मदद करने जुट जाते हैं और शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। मतलब इस पैरा का मतलब है कि जैसे मनुष्य परिवार में रहता है, आपने देखा है कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ और इन लोगों के साथ अपन परिवार में रहते हैं, ऐसे ही हाथियों का भी झुंड होता है यानी परिवार होता है और ये सारे सदस्य एक साथ रहते हैं। अगर कोई इन पर अटैक कर देता, मीन्स लॉयन वगैरह का भी हमला बोल देते हैं, तो आधे हाथी क्या करते हैं, लॉयन को भगाने का काम करते हैं और बाकी जो हाथी घायल हो जाता है उसकी मदद में लग जाते हैं। हाथियों की याद करने की ताकत बहुत तेज होती है। ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। मनुष्य की तरह हाथी अपने अनुभवों को कभी नहीं भुलाते। दल का नेतृत्व हथनी करती है, उस सब उसके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े होते होते अपने माता पिता व अन्यों से खाना खाना, उपकरणों का उपयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हथनियों को परिवार के अन्य सदस्य उसके मुंह में घास डालकर पालते हैं। युवा बूढ़े हाथी उठने बैठने में उनको सहायता भी करते हैं, मतलब सहारा देते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। दल के कई सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे बैठे रोते रहते हैं और फिर उसे पत्तियों व मिट्टी डालकर ढक देते हैं और हपनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है लेखक कि हाथियों में जो है याद करने की जो शक्ति होती है वो मनुष्यों के जैसे ही होती है। जैसे आप लोग लर्निंग बहुत अच्छी प्रोसेस है, लर्न आप अच्छे से कर लेते हैं, उसी तरह से हाथियों में भी यही होता है। और जो हथनी होती है परिवार की मुखिया होती है और परिवार कैसे चलेगा ये हथनी डिसाइड करती है। और हथनी जब बूढ़ी हो जाती है तो परिवार के और सदस्य उसको खाना देते हैं। मतलब जैसे आपके घर में दादा दादी या नाना नानी जब बूढ़े हो जाते हैं, वो चल नहीं फिर नहीं सकते अपनी जगह से, तो आपके मम्मी पापा या चाचा चाची या जो भी उनके पास रिलेटिव्स होता है वो उनको खाना देता है कि नहीं, इसी तरह से उनका भी परिवार होता है। और जैसे अगर हमारे यहाँ किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, ऐसे ही हाथियों का जो परिवार होता है वो भी इसी तरह से शोक व्यक्त करता है। हाथी परोपकार व अत्यंत भावुक जानवर होता है। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की भी मदद करता है। दक्षिण भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। वह ट्रक के पीछे चल रहा था और महावत के आदेश पर
पहले से बने छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। जब महावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहां से उठकर चला गया। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, हाथी भी परोपकार करने में और मनुष्य की तरह अत्यंत ही भावुक जानवर होता है, यानी वो भी इमोशनल होता है। एक साउथ की घटना है जिसमें हाथी महावत मतलब जो हाथी पर बैठकर उसको कंट्रोल करता है, वो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था हाथी, और जो लकड़ियां हैं जंगल से उठा उठा के पर्टिकुलर किसी छेद में रख रहा था या जगह पर रख रहा था, तो एक जगह जाकर उसने डालने से मना कर दिया। जब महावत ने वहां जाकर देखा तो पता चला कि कुत्ते का छोटा सा बच्चा उस होल में सो रहा है, और जब तक वो उठकर चला नहीं गया तब तक हाथी ने वहां पर लकड़ी को नहीं रखा। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ हथनियों को नहाना, दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में बिताते हैं। कोमल डालियां, घास पत्ते, जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। इनके दल में कभी कभी 100 सदस्य तक भी होते हैं। मतलब हाथियों को आपने देखा होगा सूर में पानी भरकर नहाते हैं कि नहीं, तो इनको नहाना बहुत पसंद है, खाना भी बहुत पसंद है, और इनके जो परिवार में कभी कभी 100 हाथी तक हो सकते हैं। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, उठा पटक आदि खेलते हैं। हाथियों को पानी में खेलना, कीचड़ के साथ मलना बहुत पसंद है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह फेंकते हैं। हाथियों को आवाज करने की नकल का भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया जब उसने प्रशिक्षक जोंग गैप किम की आवाज की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है तथा मनुष्यों की आवाज निकालता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाजें निकालते हैं। जब ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो अलग अलग आवाजों के द्वारा अपने साथियों से बातें करते हैं। आवाजों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। मतलब जो परिवार है वो ये कहना चाहता है हमारा लेखक कि जो हथनी होती है, दक्षिण कोरिया में एक ऐसा हाथी था जो उसका जो ट्रेनर था उसको जो कंट्रोल करता था उसकी आवाज की नकल निकालता था, और इसलिए उसको बच्चे वहां पर बहुत देखने आते थे। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है। परिवार की आवश्यकता, सुख दुख, प्रेम, घृणा, ये सभी कुछ बखूबी समझते हैं। यानी कि जैसे आप लोग इमोशनल होते हैं ना, रोते गाते हंसते सब कुछ करते हैं, उसी तरह से हाथी भी इस तरह की फीलिंग उनमें होती है। जब वो परेशान होता है या घायल होता है, दर्द होता है, तो हाथी भी रोता है। अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। ये पानी पीने के लिए गड्ढे खोदना, पेड़ की छाल उधेड़ना आदि कार्य करते हैं। ये पानी के गड्ढों को पेड़ की छालों से ढक देते हैं तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और बाद में कभी भी यहाँ आकर पानी पीते हैं। पानी को बचाना इन्हें खूब पसंद है। ये पेड़ की डालियां तोड़कर बदन से मक्खियों को उड़ाते हैं, खुजली करते हैं। हाथी जानते हैं कि किस समस्या का क्या हल है। वे बड़ी होशियारी से मुसीबत को सुलझा लेते हैं। इनका आपसी मेल दया, सूझबूझ, प्रेम, दया, ममता, शांत स्वभाव, चुनौती काम करने के लिए अपने व्यवहार में उसके अनुसार स्वयं को बदलना बहुत सचमुच बहुत बड़ी मिसाल है। यानी पर यहाँ पर कवि लेखक क्या कह रहा है कि हाथी जो है अपनी वो सूंड का यूज किस में करते हैं, गड्ढा जो होता है उसमें पानी भर भर के ले जाते हैं सूंड में, और गड्ढे को भर देते हैं और उसको पत्तियों से, घास फूस से ढक देते हैं, और कभी जब इनको पानी की दिक्कत आती है तो ये उस जगह से जाके पानी पी लेते हैं। और इसी तरह से जो हाथी है वो समझदार जानवर है, तो वो किस तरह से मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसको खुद को कैसे कंट्रोल करना है इसको बहुत अच्छे से आता है। तो बच्चों आज आपने देखा होगा कि हमने जो कहानी पढ़ी समझदार हाथी, तो इससे आपको भी जानवरों के प्रति दया का भाव आएगा और हाथी को बहुत अच्छी नजर से देखेंगे। मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग घर पर 3-4 बार इसको पढ़िएगा, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार।